हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी। वेलकम टू अन अकेडमी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए मैं लेके आया हूं एक सीरीज एमपीपीएससी टी80। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। आने वाले समय में मध्य प्रदेश की भी नदी घाटी परियोजनाओं के संबंधित जो एक टॉपिक है, एक टॉपिक आपको रिसेंटली आपको आने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट में। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अगर भारत में कोई है तो वो है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। और ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है ये लोकेटेड है आपके सतलज रिवर के ऊपर। इंडिया के सबसे शुरुआती जो प्रोजेक्ट थे, सबसे इनिशियल प्रोजेक्ट में से आपको एक था। और यहाँ पर दो डैम बने हैं, एक भाखड़ा और भाखड़ा के बाद थोड़ा आगे नीचे जाके नंगल। तो दो डैम्स बने हैं विच इज लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा नाम की जगह पर आपको लोकेटेड है। और भारत का पहला सबसे बड़ा मल्टी रिवर प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको एस्टैब्लिश है। उसके बाद साथ ही भाखड़ा जो डैम है विश्व के सबसे बड़े जो सेकेंड सबसे हाईएस्ट जो डैम है उन डैम में से इसको शुमार किया जाता है। ऐसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, तमाम अलग अलग स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स को पानी का बेनिफिट या कई सारे इरीगेशन फैसिलिटीज, उसके अलावा यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी या जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। तो कई सारे चीजें जो है इसके माध्यम से आपको मिलती है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट, या उसको राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट के नाम से आपको जाना जाता है। और ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है जहाँ पर ब्यास और सतलज दोनों नदियाँ जहाँ पर आपको मिलती है वहाँ पर। और इसके माध्यम से राजस्थान के अंदर बड़े लेवल पे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। और इससे तकरीबन 468 किलोमीटर लंबी जो कनाल है, कनाल यहाँ पर आपको बनी है जो आसपास के एरिया के अंदर इरिगेशन फैसिलिटी को आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब उसके साथ में डैम के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे, तो डैम के ऊपर एक अलग से पोंग करके एक अलग से एक डैम आपको बना हुआ है जो एक दूसरे एरिया के अंदर इरिगेशन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉम, इट्स कॉल्ड द पोंग प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हमने लास्ट टॉपिक में आपको बात की। अब देखो, जो पोंग प्रोजेक्ट है, पोंग प्रोजेक्ट लोकेटेड है आपके ब्यास रिवर पे। और इसका जो लोकेशन है वो भी हिमाचल प्रदेश आपको है, स्पेशली पोंग जो रिजर्वायर है। तो यहाँ से जो पूरा पानी इकट्ठा होता है उसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। तो उस पूरे रिजर्वायर को इस डैम के कारण, इंदिरा गांधी कनाल के डैम के कारण जो पूरा रिजर्वायर है उसको पोंग रिजर्वायर या पोंग प्रोजेक्ट के नाम से आपको जाना जाता है, जो अगेन हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है चमेरा प्रोजेक्ट। और चमेरा प्रोजेक्ट जो है ये लोकेटेड है आपके रावी रिवर के ऊपर। जितने भी प्रोजेक्ट हम लोग देख रहे हैं ये इंडस रिवर सिस्टम जो है उसकी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो रावी रिवर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट है जिसको चमेरा प्रोजेक्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद एक थेन प्रोजेक्ट करके, एक थ्यान करके एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है रावी रिवर के ऊपर एंड द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन पंजाब, पठानकोट के पास में एक छोटा सा गांव है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपको बना है। और यहाँ से पंजाब और हिमाचल प्रदेश के एरिया के अंदर इरीगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, साथ ही दोनों स्टेट का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है। अगला जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है नाथ, दैट्स कॉल्ड द नाथपा जाखरी प्रोजेक्ट। अब नाथपा जाखरी जो प्रोजेक्ट है ये भी इंडस रिवर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो सतलज रिवर के ऊपर आपको लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखना नाथपा जाखरी प्रोजेक्ट। फिर एक प्रोजेक्ट है उसका नाम है सलाल प्रोजेक्ट। एंड सलाल प्रोजेक्ट जो है ये भी जो ये पूरा रिवर सिस्टम में चेनाब रिवर के ऊपर आपको लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में, जिसको लेके कई बार पाकिस्तान जो है कई बार इशू आपको क्रिएट कर चुका है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उसका नाम है बगलिहार प्रोजेक्ट, वन ऑफ द फेमस एंड वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट इन इंडिया। और कॉन्ट्रोवर्शियल भी इसलिए कि पाकिस्तान को उससे दिक्कत है, चेनाब रिवर पे लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। और दोनों प्रोजेक्ट से थोड़ा सा पाकिस्तान को दिक्कत है कि इससे हमारे यहाँ पर आने वाला जो पानी है वो पानी काफी आपको कम हो जाएगा। तो सलाल और बगलिहार दोनों है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इट्स कॉल्ड द दुलहस्ती प्रोजेक्ट। सेम पाकिस्तान का पेट में बड़ा दर्द होता है इस प्रोजेक्ट के कारण। ये भी चेनाब के ऊपर यहाँ पर आपको बना है जम्मू कश्मीर में। एक्चुअली जो तीन रिवर हैं, इंडस, चेनाब और झेलम, इन तीनों नदियों का पानी जाता है पाकिस्तान में और उसके ऊपर हम लोग डैम बना रहे हैं। तो पाकिस्तान को लगता है कि हम उसका जो एरिया है उसके एरिया का डैम या स्पेशली उस रीजन को हम लोग आपको कैप्चर करके उस डैम का जो पानी है उसका पानी हम लोग छीन सकते हैं। बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो जानता है कि जब तक वो ठीक रहेगा तब तक सब चीज़ें आपको ठीक चलती रहेगी। तो ये दुलहस्ती प्रोजेक्ट भी जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है तुलबुल प्रोजेक्ट। तुलबुल प्रोजेक्ट लोकेटेड है
आपके झेलम रिवर के ऊपर, और ये भी लोकेटेड है सेम जम्मू कश्मीर के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इससे भी थोड़ा सा पाकिस्तान को शुरू में दिक्कत थी, लेकिन अभी पाकिस्तान इज ओके, उसका पेट का दर्द अभी के समय पे ठीक हो चुका है। अब यहाँ से एक अलग से एक बैराज निकलता है जिसको वुलर बैराज, वुलार बैराज आपको कहा जाता है, और आगे जाके वुलार लेक जो है उसके साथ में जाके मर्ज होता है। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है उड़ी प्रोजेक्ट। उड़ी जानते ही होंगे, उड़ी करके एक मूवी भी आई थी, उड़ी के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ था और उसके बाद हमारी आर्मी ने है पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएट किया था। तो झेलम नदी के ऊपर आपको लोकेटेड है यहाँ पे, इट इज लोकेटेड इन द बारामूला जम्मू कश्मीर, और इससे जम्मू कश्मीर और हिमाचल के एरिया में इरिगेशन मिलता है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज कॉल्ड द टहरी प्रोजेक्ट, और टहरी प्रोजेक्ट लोकेटेड है आपके भील गंगा और भागीरथी दोनों नदियां जहां पर आपको मिलती है। देखो यहां से गंगा रिवर सिस्टम वाला पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे भील गंगा और भागीरथी नदी है, दोनों नदियां जहां पर आपको मिलती है टहरी उत्तराखंड में ये प्रोजेक्ट आपका लोकेटेड है। अगला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है रामगंगा प्रोजेक्ट, एंड रामगंगा प्रोजेक्ट लोकेटेड है आपके रामगंगा रिवर के ऊपर, और इसका लोकेशन हम देखें तो लोकेशन है उत्तराखंड। तो स्पेशली जो रामगंगा नदी है, ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, और इस नदी के ऊपर स्पेशली रामगंगा डैम उत्तराखंड में आपको बना हुआ है। गंगा रिवर वैली का अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उसका नाम है तकनपुर प्रोजेक्ट, और तकनपुर प्रोजेक्ट लोकेटेड है आपके काली रिवर के ऊपर, और ये रिवर बेसिकली यहाँ पर टकनपुर करके जगह है, तो वहां पर कॉन्फ्लुएंस पे ये रिवर आपको बनी है। तो एक तरीके से ये जो तकनपुर वाला प्रोजेक्ट है या काली रिवर पे, ये इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है, बॉर्डर भी आपको क्रिएट करता है। काली रिवर को लेके कई सारे काला पानी वगैरह के जो डिस्प्यूट है वो काफी डिस्प्यूट अभी के समय पे चल रहे हैं। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है गंडक प्रोजेक्ट, और गंडक प्रोजेक्ट आपका लोकेटेड है आपके गंडक रिवर के ऊपर, और इसकी मेन लोकेशन है वाल्मीकि नगर बिहार के अंदर। गंडक इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, मतलब गंगा की एक सहायक नदी आपको है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना है जिससे बिहार, यूपी और नेपाल, एक तरह से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को इरीगेशन मिलता है, साथ में कुछ पार्ट का आपको नेपाल को भी इसके माध्यम से हेल्प आपको मिलती है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है कोसी प्रोजेक्ट, विच इज लोकेटेड इन द कोसी रिवर के ऊपर आपको लोकेटेड है, और ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है बिहार के अंदर, और ये इंडिया और नेपाल का कोसी रिवर के ऊपर एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि कोसी रिवर के कारण बिहार और आसपास के रीजन में बहुत ज्यादा बाढ़ आपको आती है, उससे बचने के लिए कोसी प्रोजेक्ट आपको बनाया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को आपको याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है रिहंद प्रोजेक्ट, और रिहंद प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट आपको लोकेटेड है रिहंद रिवर के ऊपर, और ये इसका जो लोकेशन आपको है वो है सोनभद्र उत्तर प्रदेश, और यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश तीनों स्टेट्स का एक तरीके से कंबाइंड प्रोजेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इससे फिर मध्य प्रदेश और बिहार है इनको भी काफ़ी बेनिफिट आपको मिलता है। एक तरीके से तीनों रिवर का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि वैसे रिहंद अगर देखा जाए तो एमपी से तो नहीं बहती, लेकिन हाँ एमपी के कई सारी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ट्रिब्यूटी आपकी रिहंद रिवर आपको है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है बाणसागर प्रोजेक्ट, ये लोकेटेड है आपके सोन नदी के ऊपर, और ये भी एमपी और यूपी का एक कंबाइन आपको प्रोजेक्ट है। इसका मेन लोकेशन है शहडोल मध्य प्रदेश, जहां पर देवलून नाम की एक जगह है, वहां पर एक मेन प्रोजेक्ट है एमपी, यूपी और बिहार। इसमें 50% पार्ट मध्य प्रदेश का और बाकी 25-25% जो पार्ट है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर यहाँ पर आपको दिया, तो इस तरीके से तीन स्टेट्स के बीच में यहाँ पर आपको लोकेटेड है। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट आपको प्रोजेक्ट है, अगला इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है माता टेला प्रोजेक्ट, ये भी आपके मध्य प्रदेश का एक जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है उस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में से यहाँ पर आपको एक है। ये लोकेटेड है आपके बेतवा रिवर के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर, एमपी और यूपी के बॉर्डर पे ऑलमोस्ट आपको लोकेटेड है, इससे एमपी और यूपी दोनों स्टेट्स के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है। अगर डैम की लोकेशन देखी जाए तो एमपी यूपी की बॉर्डर के ऊपर आपको लोकेटेड है, ठीक है, तो उसको आप मध्य प्रदेश में भी मान सकते हैं या यूपी में भी मान सकते हैं, दोनों स्टेट के बीच में आपको लोकेटेड। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है चंबल प्रोजेक्ट, जो नर्मदा की आपके यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है चंबल, इसके ऊपर लोकेटेड है चंबल प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट भारत के सबसे शुरुआती प्रोजेक्ट में से आपको एक था। 1954 में इस प्रोजेक्ट की चंबल नदी के ऊपर एमपी और राजस्थान की जो बॉर्डर वाला एरिया है उस बॉर्डर वाले एरिया पे इसकी स्टार्टिंग की गई, और यहाँ पर दो तीन अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं, दो तीन अलग अलग डैम्स बनाए गए, जैसे राणा प्रताप सागर, गांधी सागर डैम, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट जो डैम है
वो डैम बनाए गए और इन डैम्स के माध्यम से यहाँ पर बड़े लेवल पे जो वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती जाती चंबल के पानी को स्टोर करके या यहाँ पर एक्चुअली उसको कंट्रोल करके आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर आपको बिल्ड की जाती है। तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये तीन, और साथ में कोटा बैराज करके एक जगह है जो बेसिकली यहाँ का जो रिजर्वा या पूरा पानी है, पूरा पानी यहाँ पर आपको इकट्ठा होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट डैम है वो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर नदी परियोजना। ये लोकेटेड है दामोदर रिवर के ऊपर और ये भारत का पहला अब बोल सकते हैं कि रिवर वैली प्रोजेक्ट या भारत की पहली नदी घाटी परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत की गई। ये लोकेटेड है कोनार रिवर के ऊपर जो आपके दामोदर की आपको ट्रिब्यूटरी है। खैर देखो, इसको अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये कई सारे अलग अलग जो डैम है, पंचायत डैम, कोनार डैम, ऐसे तीन चार अलग अलग डैम्स हैं उनके मर्ज करके आपको बना है। तो अभी के समय पर बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल तीनों बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल तीनों स्टेट्स को यहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। 1948 में बताया कि सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट किया गया था। अगला जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है मयूर काशी प्रोजेक्ट और मयूर काशी प्रोजेक्ट लोकेटेड है मयूर काशी रिवर के ऊपर एंड दुमका नाम की एक जगह है झारखंड के अंदर। और ये बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल तीनों जो स्टेट्स हैं, तीनों स्टेट्स का कंबाइंड प्रोजेक्ट या तीनों स्टेट्स की जो एक संयुक्त परियोजना है, एक संयुक्त यहाँ पर आपको परियोजना है। और इस डैम को कनाडा डैम के नाम से भी यहाँ पर आपको जाना जाता है, इट्स ऑल्सो नोन एज कनाडा डैम, मयूराक्षी डैम। अगला जो इंपॉर्टेंट डैम है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के ऊपर। ब्रह्मपुत्र के ऊपर कई सारे इंपॉर्टेंट डैम्स आपको बने हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश में जब हम लोग चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में कई सारे छोटे छोटे डैम हैं। जैसे एक डैम यहाँ पर आपको बना है, उस डैम का नाम है रंगा नदी हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश में। फिर एक पपुम, इट्स कॉल्ड द पपुमपाप हाइडल पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर। फिर आपका एक दिंकरोंग हाइडल प्रोजेक्ट जो भी अरुणाचल प्रदेश में है। एक पाकी हाइडल प्रोजेक्ट है ऑल्सो इन अरुणाचल प्रदेश। फिर एक अपर लोहित हाइडल प्रोजेक्ट आपको है अरुणाचल प्रदेश में। एक कामिंग प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इट्स कॉल्ड द दामवे प्रोजेक्ट है अगेन अरुणाचल के ऊपर। जैसे कई सारे प्रोजेक्ट अरुणाचल के ऊपर आपको बने हैं। एक बार फिर से नाम देख लीजिए, दामवेन, कामेंग, अपर लोहित, पाकी हाइडल, उसके बाद दिंकरोंग, फिर उसके बाद आपका पापुपाम, देन रंगा नदी। तो ये तमाम प्रोजेक्ट याद रखिएगा, कौन सी रिवर पे वगैरह वगैरह, वो बहुत डिटेल हो जाएगा, इतना हमारे काम का है भी नहीं यहाँ पर, नहीं बस नाम पता होना चाहिए कभी एग्जाम में आ जाए। असम के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि असम में स्पेशली ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पूरा लोकेटेड है। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है उसका नाम है कोपली प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कोपली इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। फिर नागालैंड की हम लोग बात करें तो नागालैंड के अंदर एक प्रोजेक्ट उसका नाम है दायांग हाइडल प्रोजेक्ट है, तो नागालैंड में दायांग याद रखिएगा। मणिपुर के अंदर आ जाएं, वहां पे लोकताक हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, लोकताक लेक से लगा हुआ एरिया आपको है। उसके बाद एक और मणिपुर के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पर इट इज कॉल्ड द चुरा चंद्रपुर करके एक जगह है मणिपुर के अंदर, चुरा चंद्र करके एक इंपॉर्टेंट आपको प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट जैसे चुरा चंद्र सागर प्रोजेक्ट है, ये आपका तिपांकुक हाइडल पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है और ये लोकेटेड है बराक और आपका तुईबाई रिवर, दोनों रिवर के एक तरीके से दोनों रिवर जहाँ पे मर्ज होती है वहां पर इस प्रोजेक्ट को लोकेट आपको किया गया। और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो मतलब बांग्लादेश को बड़ा ऐसे दिक्कत आपको हुई थी क्योंकि वहां पर इरीगेशन फैसिलिटीज वगैरह में दिक्कत थी। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है मिजोरम स्टेट के अंदर। मिजोरम में जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जैसे एग्जांपल के लिए आपका धालेश्वरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, फिर आपका तियुराई हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, एक तुईबाई हाइडल प्रोजेक्ट आपको है। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिजोरम में है। सिक्किम में आ जाएंगे तो सिक्किम में इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है उनका नाम है रंगीत हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद सिक्किम के अलावा ये पूरा ब्रह्मपुत्र सिस्टम पे हो गया ना, तो पूरा वो इंपॉर्टेंट जो असम वगैरह के प्रोजेक्ट है उनके नाम एक बार याद कर लेना। फिर वी हैव द हीराकुंड पावर प्रोजेक्ट। हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है ये भी भारत के सबसे शुरुआती और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे आपको लोकेटेड है और ये लोकेटेड है महानदी के ऊपर उड़ीसा के अंदर। और हीराकुंड डैम इसके ऊपर आपको बना है जो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा एक इंपॉर्टेंट डैम आपको है, जो दुनिया के सबसे लंबे जो डैम्स हैं उन डैम्स में से यहां पर आपको एक माना जाता है। उसके बाद अगला जो डैम है उसका नाम है बाली मेला प्रोजेक्ट। बाली मेला प्रोजेक्ट ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये लोकेटेड है आपका सिलेरू रिवर के ऊपर एंड द लोकेशन इज द उड़ीसा, सिलेरू रिवर के ऊपर उड़ीसा में लोकेटेड। और यहाँ पर जो रिवर है तो ये आगे जाके गोदावरी में जाके मर्ज हो जाती है। तो बाली मेला प्रोजेक्ट है उड़ीसा के ऊपर सिलेरू नदी के ऊपर, है ना, हो सकता है कि आपने पहले ना पढ़ा हो। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है निजाम सागर प्रोजेक्ट। और निजाम सागर प्रोजेक्ट है ये
लोकेटेड है मांजरा रिवर के ऊपर, इट इज लोकेटेड इन द मेडक नाम की एक जगह है तेलंगाना में, और ये जो है गोदावरी के एक इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है मांजरा, उसके ऊपर लोकेटेड है निजाम सागर प्रोजेक्ट, जो स्पेशली हैदराबाद के निजाम के नाम से आपको है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उसका नाम है, इट्स कॉल्ड द रामागुंडम प्रोजेक्ट, एंड रामागुंडम प्रोजेक्ट जो है ये लोकेटेड है गोदावरी नदी के ऊपर, करीम नगर नाम की जगह है तेलंगाना के अंदर, तो करीम नगर तेलंगाना में लोकेटेड है। अगला जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है मुचकुंड प्रोजेक्ट, और मुचकुंड प्रोजेक्ट जो है ये लोकेटेड है आपके मुचकुंड नाम की एक जगह पे, एंड मुचकुंड रिवर के ऊपर आपको लोकेटेड है, एंड द प्लेस इज कॉल्ड द कोरापुट, जो उड़ीसा और विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश तीनों, मतलब उड़ीसा और मतलब विशाखापट्टनम स्पेशली उसके पास में आपको लोकेटेड है, तो द प्लेस इज कॉल्ड द कोरापुट के अंदर आपको लोकेटेड है, आंध्र और उड़ीसा का कंबाइन प्रोजेक्ट है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उसका नाम है पोचमपाद प्रोजेक्ट, और पोचमपाद प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है आपके गोदावरी रिवर के ऊपर, निजामाबाद नाम की जगह है आपके तेलंगाना में, तो पोचमपाद करके एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है ताला हाइडल पावर प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है आपके आपके इट्स कॉल्ड द लोनावाला नाम की जगह है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे टाटा का हाइडल पावर प्रोजेक्ट आपको है, और यहाँ से बड़े लेवल पे जो इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है, साइटी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी आपको है। यहाँ पे तीन पावर स्टेशन हैं, इट इज़ कॉल्ड द खोपाली भीवपुरी और भीरा, खोपाली भीवपुरी और भीरा, तीन टाटा के हाइडल पावर स्टेशन आपको जहाँ से बिजली पैदा की जाती है। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है कोयना पावर प्रोजेक्ट, और कोयना पावर प्रोजेक्ट है ये आपको मिलेगा कोयना रिवर के ऊपर, एंड द मेन लोकेशन इज द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी जो कोयना है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी के ऊपर आपको बना हुआ है। अगला जो है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से आपको एक है, कृष्णा रिवर के ऊपर आपको लोकेटेड है, और इसका मेन लोकेशन है नालगोंडा आपके तेलंगाना के अंदर, नालगोंडा और गुंटूर जो एरिया है इसके अंदर आपको लोकेटेड है, इससे स्पेशली आपको तेलंगाना आंध्र प्रदेश इन तमाम दोनों स्टेट्स को इरीगेशन फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलती है, और इसका जो नाम यहाँ पर आपको हुआ तो यहाँ पर स्पेशली एक बुद्धिस्ट जो संत हुआ करते संत नागार्जुन, तो उनके नाम से इसको नाम यहाँ पर आपको दिया है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इट्स कॉल्ड द श्रीसैलम प्रोजेक्ट, और श्रीसैलम प्रोजेक्ट लोकेटेड है कृष्णा रिवर के ऊपर, और जो मेन लोकेशन इसका है उसका नाम है महाबुद्ध नगर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर आपको लोकेटेड है कृष्णा रिवर के ऊपर, श्रीसैलम प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है अलमाती प्रोजेक्ट, और अलमाती प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है आपके कृष्णा रिवर के ऊपर, कृष्णा रिवर के ऊपर भी कर्नाटका के अंदर ये प्रोजेक्ट आपको अलमाती प्रोजेक्ट आपको लोकेटेड है। अगला प्रोजेक्ट है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भारत का, ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है आपके तुंगा रिवर और भद्रा रिवर, दोनों रिवर जहां पर आपको मिलती हैं, सो द रिवर इज डिवाइडेड इनटू तुंग एंड भद्र, तो जो दोनों रिवर जहां पर कर्नाटका में मिलती है वहां पर लोकेटेड है ये प्रोजेक्ट, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का कंबाइन आपको प्रोजेक्ट है। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट है भादरा प्रोजेक्ट, भादरा प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है भादरा रिवर के ऊपर, एंड द लोकेशन इज द कर्नाटका, तो भादरा इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उसका नाम है घटाप्रभा करके प्रोजेक्ट, और घटाप्रभा जो प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है घटाप्रभा रिवर के ऊपर इन कर्नाटका के अंदर। ओके, उसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वो है शिव समुद्रम प्रोजेक्ट, जो भारत के सबसे जो शुरुआती प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स में से आपको देखा जाता है, कावेरी नदी के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बना है कर्नाटका के अंदर, 1902 में पहली बार यहाँ पर हाइडल पावर या बोल सकते पन बिजली है इसके माध्यम से बनना यहाँ पर आपको शुरू हुई। तो शिव समुद्रम प्रोजेक्ट भारत का पहला हाइडल प्रोजेक्ट इसको माना जाता है। चलिए, और इसी के माध्यम से कृष्ण सागर जो डैम है, कृष्णराज सागर डैम आपको बना है, जो लोकेटेड है आपके मैसूर के अंदर। अगला जो डैम है वो है मैटूर डैम, और मैटूर डैम लोकेटेड है आपके कावेरी रिवर के ऊपर, अगर लोकेशन की बात करें तो तमिलनाडु में आपको लोकेटेड है, और इस डैम को वहाँ पर स्टैनली रिजर्वायर जो है, क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिशियन है स्टैनली, तो उनके नाम से इस प्रोजेक्ट को जाना जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है आपका पापानसाम प्रोजेक्ट, और पापानसाम प्रोजेक्ट लोकेटेड है आपके ताम्रपारणी रिवर के ऊपर तमिलनाडु के अंदर, पापानसाम प्रोजेक्ट ताम्रपारणी रिवर तमिलनाडु के अंदर। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है आपका पाइकारा प्रोजेक्ट, पाइकारा प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ये बेसिकली आपके पाइकारा रिवर के ऊपर आपको लोकेटेड है तमिलनाडु के ऊपर। अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हो तो एक पाइकारा लैक का एक जो वीडियो है वो वीडियो भी मैंने आपको बनाया था, अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा। फिर एक और डैम है, इट्स कॉल्ड द कुंडा प्रोजेक्ट या कुंडा डैम, आपको कुंडा प्रोजेक्ट डैम आपको कहा जाता है, ये लोकेटेड है कुंडा रिवर के ऊपर
तमिलनाडु के ऊपर। तो तमाम ये तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट डैम्स आपको हो गए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट हो गए, भारत के कई सारे इंपॉर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट मैंने आपको शामिल किए हैं। अगर कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अगर इन फ्यूचर मुझे मिलेंगे तो उसका एक वीडियो मैं आपको जरूर बना दूंगा। उसके अलावा अन अकेडमी के ऊपर एमपी टेट का इंपॉर्टेंट कोर्स शुरू हो चुका है, जहां पर एमपी टेट का पूरा कोर्स आप लोगों को कराया जाएगा। वर्ग एक के लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज जो है ऑलरेडी आपको स्टार्ट हो चुकी है। उसके अलावा जीत की रणनीति करके एक बैच है एमपीएसआई और कांस्टेबल के लिए, जिद करके एक बैच है जेल प्रहरी और वन रक्षक के लिए आपको बैच है, फिर एक इंडियन हिस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट बैच आपको ऑलरेडी आपको आ चुकी है। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट बैच कोर्सेस अभी के समय पे चल रहे हैं और इनके माध्यम से आप पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करके एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस और व्यापम के तमाम कोर्सेज को जाके परचेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल दिस लेक्चर, आई होप यू लाइक द लेक्चर। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।